गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू IRS ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैंने चैप्टर 1 ग्रोइंग प्लांट्स आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उस चैप्टर के बारे में बुक की एक्सरसाइज करा दी थी, क्वेश्चन आंसर हमारा रह गया था। तो बच्चों, जो ये आज की वीडियो है, ये हमारे आज क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, जिसमें आपको अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर को नोट करना है। ठीक है, मैं एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर जो मैंने आंसर लिखा है उसको पढ़ूंगा। आप लोग अपने कॉपी पर जब वीडियो आप ऑन देखोगे, वीडियो को पहले सुनना, फिर ये सुन के उसके बाद वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन अपने बुक से उतारना, फिर जो वीडियो मैंने आंसर बताए हैं वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना। क्लियर? तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में इधर लेफ्ट हैंड साइड में आज की डेट डालेंगे, फिर इसके फर्स्ट लाइन में चैप्टर 1, चैप्टर का नाम लिखेंगे ग्रोइंग प्लांट्स, और इधर आप लिखेंगे क्लास वर्क। ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आप हेडिंग डालेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, उसके नीचे थर्ड लाइन में आप क्वेश्चन 1 लिखेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन जर्मिनेशन, व्हाट डू प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन क्या है और प्लांट्स को जर्मिनेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो पहले तो हम जर्मिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी ऐसे प्रोसेस को जिसमें सीड प्रोड्यूस करता है एक न्यू प्लांट को, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तुम्हारा जर्मिनेशन क्या हुआ? द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाई डू प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, तो इसका आंसर होगा प्लांट्स रिक्वायर्ड सुटेबल टेम्परेचर, वाटर, एयर, ऑक्सीजन एंड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन। यानी जर्मिनेशन के लिए हमें एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए एंड सनलाइट। क्लियर? क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। व्हाई डू प्लांट्स स्कैटर देयर सीड, यानी जो प्लांट्स है वो अपनी सीड को क्यों स्कैटर्ड कर देती है। तो आइए आंसर देखते हैं इसका हम। प्लांट्स स्कैटर्ड देयर सीड बिकॉज इफ प्लांट्स ग्रो टू क्लोजली देन दे विल स्ट्रगल फॉर एयर, वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस टू ग्रो, एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ देम वुड डाई, दैट्स वाई प्लांट स्कैटर्ड देयर सीड। यानी प्लांट स्कैटर सीड इसलिए करता है कि अगर इफ जो हमारा प्लांट है अगर बहुत पास ग्रो कर दिया, तो उसे ना प्रॉपर एयर मिल पाएगा, ना वाटर मिल पाएगा, ना लाइट मिल पाएगा, ना न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा, और ना ही उसे स्पेस मिल पाएगा कि वो अच्छे से ग्रो हो सके। और फिर ऐसा होगा कि एक पौधे दूसरे पौधे से लड़ते लड़ते अपने आप में मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। इसलिए जो हमारी सीड होती है, जो हमारे प्लांट होते हैं, वो अपनी सीड को स्कैटर्ड कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा हुआ है डिफाइन डिस्पर्जल, और सेकंड पार्ट दिया हुआ है डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज ऑफ सीड्स डिस्पर्जल। बच्चों, इसको ही मैंने पढ़ाया है डिस्पर्जल क्या है और कितने वेज हैं सीड्स के डिस्पर्जल होने का। तो आइए देखते हैं डिस्पर्जल क्या है। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल, यानी जो हमारी सीड है वो स्कैटर्ड हो जाती है अपने मदर प्लांट से, जिस प्रोसेस से वो स्कैटर्ड होती है उसको हम डिस्पर्जल कहते हैं। यानी द प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल,
उसका आंसर है द डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल आर, फर्स्ट डिस्पर्जल बाई विंड, पहला है डिस्पर्जल बाई विंड यानी विंड की सहायता से डिस्पर्ज होना। तो सम सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर वेरी लाइट एंड हैव अ विंग लाइक स्ट्रक्चर और हेयर ऑन देम, सो दे इजली कैरीड बाई द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जो जो सीड होती हैं कुछ प्लांट्स की वो बहुत ही लाइट होती हैं और कहते हैं या विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, चाहे हेयर होते हैं, तो वो इजली एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड। इसे हम कहेंगे डिस्पर्जल बाय विंड। इसमें जो एग्जांपल है वो मैंने दिया है कॉरी एंड मेपल मेपल ट्रीज, यानी जो प्लांट्स कॉरी है और मेपल ट्री है उसकी सीड्स विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है चाहे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वो इजली कैरीड हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ विंड। क्लियर, समझ में आ रहा है? नाउ सेकेंड पॉइंट, डिस्पर्जल बाय वाटर। इन दिस द सीड फ्लोड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय द हेल्प ऑफ वाटर। यानी जो हमारी सीड्स है वो अपने पेरेंट प्लांट से फ्लो कर जाती है बाय द हेल्प ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल बाय वाटर। क्लियर। थर्ड पॉइंट, डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। सीड्स ऑफ प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाई एनिमल्स। सर्टेन सीड्स हैव हुक, स्टिफ हेयर और स्पाइंस विच हेल्प इन देयर डिस्पर्जल। यानी कुछ प्लांट की सीड्स हैं वो स्कैटर्ड कर जाती हैं बाई द हेल्प ऑफ एनिमल बिकॉज सर्टेन सीड्स हैव हुक, स्टिफ हेयर और स्पाइंस। यानी जो सीड्स में जो हुक्स पाए जाते हैं चाहे स्टफ चाहे हेयर चाहे स्पाइन पाई जाती हैं वो हेल्प करती है डिस्पर्जल का। नाउ फॉर डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोनेशन, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन। फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर राइप, स्कैटरिंग सीड्स इन ऑल डायरेक्शन। यानी जो हमारे प्लांट्स के फ्रूट होते हैं वो बर्स्ट होते हैं व्हेन दे आर राइप, वो जब राइप हो जाते हैं तो उसके फ्रूट्स बर्स्ट हो जाते हैं और जो उसकी सीड्स है वो स्कैटर्ड हो जाती है इन ऑल द डायरेक्शन में। तो इसी मैकेनिज्म को हम डिस्पर्सल ऑफ एक्सप्लोशन कहेंगे। यानी जो इसकी मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। यानी जिस मैकेनिज्म में होता है इसको हम कहेंगे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है पॉपी पी एसेट्रा। क्लियर बेटा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट्स कैन ग्रो। क्वेश्चन 4 का मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में कि हम प्लांट ग्रो करते हैं यानी जो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट की सहायता से करते हैं, तो वो क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड्स, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम्स, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लीव्स, तो ये सारे मैंने पढ़ाए हैं आपको। तो आपको इसके बारे में एक एक बारे में एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर, तो ये आपका होमवर्क है इसलिए मैंने इसे छोड़ा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, मैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को लिखवा दूंगा, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करना। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, राइट डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स विथ एग्जाम्पल। देखो बेटा, मैंने जैसे डिफरेंशिएट किया रबी और खरीफ का दो पार्ट में, इधर रबी लिखा इधर खरीफ लिखा और बीच में लाइन खींचा, ऐसे आप भी करना। रबी में पहला पॉइंट है, रबी क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी जो क्रॉप्स नवंबर टू अप्रैल में ग्रोन किए जाते हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। ये हो गया पहला डिफरेंस। खरीफ में आते हैं, खरीफ क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। यानी जो खरीफ क्रॉप होती है वो हमारी जून से अक्टूबर तक ग्रोन की जाती है। ये एक डिफरेंस होगा, रबी क्रॉप्स नवंबर टू अप्रैल ग्रोन की जाती है और खरीफ क्रॉप जून टू अक्टूबर। क्लियर है पहला डिफरेंस। नाउ सेकंड डिफरेंस, दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेन। यानी जो रबी क्रॉप्स होती है वो मानसून रेन पे डिपेंड नहीं होती है। क्लियर, दीज क्रॉप डिपेंड्स ऑन द मानसून रेन। यानी जो खरीफ क्रॉप होती है वो मानसून रेन पे डिपेंड करती है।
यानी दूसरा डिफरेंशिएशन हमारा ये है, जो रबी क्रॉप है वो मानसून रेन पे डिपेंड नहीं होती, लेकिन जो हमारी खरीफ क्रॉप है वो मानसून रेन पे टोटली डिपेंड होती है। क्लियर बच्चों, दूसरा डिफरेंशिएशन भी क्लियर हो गया। नाउ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ सच क्रॉप्स आर वीट एंड लेगुमस, यानी रबी क्रॉप्स का जो एग्जाम्पल है उसमें आएगा वीट और लेगुमस, और खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होगा, राइस एंड मीस। तो ये मैंने तीन डिफरेंस दिए हैं, आपको दिख भी रहा होगा, मैंने सब एक्सप्लेन भी कर दिया, आई होप सभी को क्लियर हो गया हो। हाँ, क्वेश्चन फोर आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर हमसे पूछना, मैं आपको ये भी लिखवा दूंगा, ठीक है। सभी को कंप्लीट, सभी को समझ में आ गया। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1 मेरी तरफ से। आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है, आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना, और बुक की एक्सरसाइज मैंने पहले ही करा दी है, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके बाय एंड थैंक यू।